मैं आपको मेरी बात एक कंप्लीट ये करना चाहता हूँ कि उस टाइम पे कोई स्पोर्ट्स मैगजीन आती थी और पारसार्थी शर्मा जूझ रहे थे कि कैसे न कैसे टेस्ट टीम में आवे। नवाब और पटौदी ने एक आर्टिकल लिखा कि इस टाइम हिंदुस्तान में अगर कोई टेक्निकली सबसे स्ट्रांग खिलाड़ी है तो पारसार्थी शर्मा, और उसके एक महीने के अंदर वो इंडिया 11 में आ गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में टेक्निकली में उस एरा में इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली टेक्निकली फिट थे क्या पारसार्थी शर्मा? भाई का मैं बताता हूँ आपको, इतने स्ट्रॉन्ग थे टेक्निकली। जैसे मैं जयपुर क्लब में हम नेट देखते हैं, डेली आते थे जयपुर क्लब। एक दिन उनका फोन आया, इधर आया मेरे पास, वो गाड़ी में बैठे हुए नेट देख रहे हैं एक घंटे से। मेरे बोल बाहर आया, मैंने बोले ये जो बैट्समैन खेल रहे हैं ये मार रहे हैं सब, बहुत अच्छा है, इन सबको बोल कि वीक में एक दिन खाली डिफेंस करेंगे। अच्छा, ये जो मारा मारी कर रहा है इससे कुछ नहीं होगा, डिफेंस करेंगे, सीखे बॉल कैसे आ रही है, कहाँ आ रही है, विकेट कैसा बिहेव कर रहा है, एक वीक में एक दिन बिल्कुल डिफेंस करें, चाहे फुल टॉस बॉल भी हो। और वो चीज इतनी यूजफुल हुई कि आज जो बड़े बड़े जितने प्लेयर निकले हुए आपके राजस्थान से खेले, चाहे राहुल कांवट हो, चाहे पी कृष्ण कुमार हो, चाहे असलम हो, ये सब उस टाइम नेट में थे। मेरे पास सबको बोला ये कर ये सीखा, और सबको फर्क पड़ा उस चीज का। और भारत भाई की टेक्निक का सवाल है, इसकी बैटिंग देखने के लिए हम बोर्ड प्रेसिडेंट के लिए खेल रहे हैं मैच अगेंस्ट कर्नाटका, रोजर बिन्नी, जी आर विश्वनाथ, पूरी टीम उनकी, वीएस प्रसन्ना, चंद्रशेखर, गावस्कर हमारे कैप्टन था टीम का, बोर्ड प्रेसिडेंट, गावस्कर आउट होकर आ गए। बाहर बैठ के अपने रूम में नॉवल पढ़ रहा था, हम लोग बाहर बैठ के ऐसे मैच देख रहे, पारस भाई बैटिंग कर रहे थे, तो पारस भाई ने सब बैटिंग करना शुरू किया। अब क्राउड होता नहीं था, आवाज आ रही उसकी बैटिंग शॉट्स की, 4-6 रोजर को, प्रसन्ना को, चंद्रा को, सब ऐसे खेल रहे पारस। तो गावस्कर ने पूछा कौन कर रहा है बैटिंग, बोले पारस। तो नोवल बंद किया, बाहर आके बैठ के, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास को देखने बाहर आई है ये, आप देखो गावस्कर उसकी बैटिंग देखने के लिए बाहर आया भारत की, बोले इसकी क्या बैटिंग देखनी है मुझे। और पारस भाई ने 100 किया उस मैच में, तो वो क्लास नॉक था मैंने जो देखा पारस भाई का, रणजी ट्रॉफी में 200 किए सबके, बट वो जो नॉक खेला ना उन्होंने, क्लास नॉक था। तो टेक्निकली बहुत साउंड थे। आज आप देखिए उनसे सीखने के लिए गौतम गंभीर इंडिया के लिए खेल रहा, लेकिन जयपुर आया खाली इसलिए, पारस भाई मुझे बताओ मेरी क्या, पारस ने उसको बताया। राहुल द्रविड़ ने कहा मैं आ जाऊँ या आपको मैं टिकट भेजता हूँ, आप कर्नाटक बैंगलोर आ जाओ, मेरा यहाँ कैंप चल रहा है। द्रविड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, द्रविड़ गुड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, वो तक एडवाइस देता था पारस भाई। एनसीए के अंदर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसके अंदर पारस भाई ने सजेस्ट किया कि बैट का वेट क्या होना चाहिए, किस तरह के बैट होने चाहिए, ये जो अपन खेल रहे हैं ये टेक्निक सही नहीं है, इसका ग्रिप क्या होना चाहिए, ये सब एनसीए में ब्रिजेश पटेल जब हुआ थे चेयरमैन, तो उन्होंने पूरा पारस भाई का एक सिस्टम बना रखा था कि आप बताओगे इस टेक्निक के बारे में। पारस भाई टेक्निकली तो इज़ वेरी गुड।